दूसरा वाकया है हमारे वालिद माजिद नवर अल्लाह उमर कदर, वो फरमाते हैं कि मैं दारुलूम देवबंद में था, 5 साल मैंने दारुलूम देवबंद में गुजारे और अकाबिर से इस्तेफादा किया और भरपूर किया। हमारे हजरत नवर अल्लाह उमर कदहू की एक बड़ी ख़ास बात ये थी, ये भी मेरे लिए और आप सब के लिए बहुत बड़ा सबक है कि वो फना फिल असातिज़ा था, अपने असातिज़ा का जिक्र वो ऐसे मौसर अंदाज में फरमाते थे कि हमेशा हमेशा। हमने तो हजरत से सबक भी बहुत पढ़े और उसके अलावा घर में रहे और मुसलसल हजरत को सुना, तो हमेशा जब भी अपने असातिज़ा का जिक्र फरमाते थे उनकी आंखें भीग जाती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी आंखों में तरी ना आई हो, आंसू ना आए। तो फरमाते हैं मैं दारुलूम देवबंद में पढ़ता था, दौरे हदीस का साल था, दारुलूम देवबंद की शूरा थी और उस शूरा में हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह भी थे और उस शूरा में हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह भी शूरा के रुकन थे। चुनाचे दौरे हदीस के साल दरमियान साल शूरा का इजलास हुआ और ये हजरत भी दीगर अरकान शूरा की तरह तशरीफ़ लाए, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह अपने साथ अपने भांजे को भी लाए। वो नौखेज़ थे, नौजवान थे और इजलास के इख्तिताम पर हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने दारुलूम की शूरा के सामने ये दरख्वास्त रखी कि मैं अपने भांजे को अपने साथ लाया हूँ और उन्हें मैं दारुलूम में दाखिल करना चाहता। मैंने अर्ज़ किया कि साल आधा गुज़र चुका था तो शूरा ने उसे कबूल नहीं किया कि तो साल आधा गुज़र गया, ये तो दाखिले का वक्त नहीं है, इस वक्त दाखिला नहीं। तो लेकिन चूँकि हज़रत मौलाना अली मियां का अपना एक मकाम था, दारुलूम नदवतुल उलमा के वो नाज़िम थे, और ये भी जहन में रखना दारुलूम नदवतुल उलमा का आखिरी मनसब वो नाज़िम है, मोहतमिम नहीं। तो हज़रत मौलाना अली मियां उस वक्त नाज़िम थे और दारुलूम की शूरा के मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम रुकन थे, तो उनकी दरख्वास्त को रद्द करना भी आसान नहीं था। तो शूरा ने ये तजवीज़ किया कि अभी तो दाखिले का वक्त नहीं है और अभी बाकायदा रस्मी दाखिला नहीं हो सकता, ये किया जा सकता है कि दारुलूम के किसी नहायत फाजिल और ज़ी इस्तेदार और सालेह किसी तालिबे इल्म का इंतखाब किया जाए और हज़रत के भांजे को उस तालिबे इल्म के साथ उसके कमरे में रख दिया जाए और वो ज़ी इस्तेदार और फाजिल तालिबे इल्म हज़रत के भांजे को फारिग औकात में इस साल के कुछ असबाब पढ़ा दे और आइंदा तालीमी साल जब शुरू हो तो वो इस साल का इम्तिहान देकर अगले साल में दाखिल हो। अब इस पर गौर शुरू हुआ कि वो फाजिल और वो ज़ी इस्तेदाद और वो मुमताज़ तालिबे इल्म कौन हो, तो सब का इस पर इत्तेफाक हुआ कि उनका नाम मोहम्मद सलीमुल्लाह ख़ान, उनको उनके हवाले किए। चुनाचे हज़रत फरमाते हैं कि असातिज़ा ने मुझे बुलाया और बुलाकर मुझसे कहा कि भई ये हज़रत मौलाना अली मियां के भांजे हैं, इन्हें आप अपने कमरे में रखें और इन्हें फजर के बाद असर के बाद जब भी मौका मिले तो इस साल की किताबें इनको पढ़ाएं। ये बात मैं आपको बता दूं कि मैंने एक दफ़ा नहीं सैकड़ों मरतबा हज़रत से सुना और तजर्बा किया, इसका मुशाहदा किया कि हमारे हज़रत वो उनकी अगर कोई सबसे ज़्यादा काबिल तरजीह चीज़ थी तो वो उनकी तदरीस थी। यानी कई दफ़ा ऐसा लगता था कि अगर वो पत्थर को भी पढ़ाना शुरू कर दें तो शायद वो भी पढ़ जाएगा। यानी आप हैरान होंगे कि मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद जहाँ हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह ख़ान साहब नवर अल्लाह उमर कदऊ का इदारा, जो हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की पहली तालीम गाह थी,
तो फरागत के बाद हज़रत वहाँ तशरीफ आए और 8 साल वहाँ हज़रत मुदर्रिस और नाज़िम आला रहे। तो चूँकि हज़रत पर तदरीस का गलबा था, बहुत ज़्यादा गलबा था, तो उसमें हज़रत ने कई वाक़यात हमें सुनाए कि एक सब्ज़ी फरोश था जो आवाज़ लगा के सब्ज़ी बेचा करता। आपने देखा होगा गलियों में लोग सब्ज़ी बेचते हैं, आलू, प्याज, टमाटर, आवाज़ लगाते, तो उसकी आवाज़ अक्सर आया करती थी वो सब्ज़ी फरोश। तो एक दिन हज़रत फरमाते हैं मैं बाहर निकला, मैंने उसको बुलाया और बुला के उससे कहा कि तुम ये जो सब्ज़ी बेचते हो सुबह से शाम तक, इसमें तुम्हें कितने पैसे बच जाते? तो उसने कहा जी 2 रुपये। 2 रुपये उस ज़माने में बहुत होते थे। तो हज़रत ने फरमाया कि मैं तुम्हें अपनी जेब से 3 रुपये दिया करूँगा, तुम इसको छोड़ो, मदरसे में दाखिल हो जाओ। चुनाचे उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। आप हैरान होंगे, मेरी उनसे मुलाकात हुई है और 2 दफ़ा हुई है। उनका नाम मोहम्मद यासीन था। हज़रत ने उनको पढ़ाया और वो नहायत आला दर्जे के आलिम बने। दारुल उलूम देवबंद से फरागत हुई और फिर इसी मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद के शेखुल हदीस बने। सब्ज़ी फरोश। हज़रत फरमाते हैं एक दफ़ा मैं मिफ्ताहुल उलूम में ही था, बिजली का ज़माना तो था नहीं, मोमबत्तियाँ और लालटेनें जलती थी। तो फरमाते हैं मगरिब, हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का मामूल ये था कि वो मगरिब की नमाज से पहले अपने घर तशरीफ़ ले जाते थे, घर ज़रा फासले पर था मदरसे से। तो हज़रत फरमाते हैं मगरिब के बाद मैं दफ्तर में, लालटेन जल रही थी और मैं किताब का मुताला कर रहा था, तो एक साहब दाखिल हुए कमरे में दफ्तर में और सलाम के बाद उन्होंने पूछा कि जी मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब से मिलना है। तो मैंने बताया कि हज़रत का मामूल तो मगरिब से पहले घर चले जाने का है। अब तो वो घर तशरीफ़ ले गए और मैंने ये सोच कर के हज़रत से मिलने के लिए आए हैं तो मैंने उनको बिठा लिया और मैंने उनसे कहा आप क़याम करें, खाना खाएं, रात को आराम फरमाएं, फजर के बाद हज़रत तशरीफ़ लाएंगे तो आपकी मुलाकात हो जाएगी। चुनाचे मैंने फ़ौरन उनके खाने वाने का इंतज़ाम शुरू किया। हज़रत फरमाते हैं कि वो अपनी शक्ल व सूरत, अपनी वज़ा क़ता से बड़े कोई आलिम लगते थे। तो खाना जब लगा और मैंने उनसे बातचीत शुरू की तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं तो महकमे माल का मुलाजिम हूँ, रेवेन्यू बोर्ड का महकमे माल का मुलाजिम हूँ और यहाँ इलाके के अंदर बाज़ कुर्तियाँ हैं वो करने के लिए आया हूँ, तो हज़रत से भी मैंने चाहा मुलाकात हो जाए। तो हज़रत फरमाते हैं दस्तरखान पर खाने के दौरान मैंने उन्हें तरगीब दी और इस पर आमादा कर लिया कि सुबह इस्तीफ़ा लिखकर महकमे माल को भेजूंगा और मदरसे में दाखिल हो जाऊँगा। सवार था हज़रत पढ़ाना तदरीस, और ऐसे मुदर्रिस मैंने तो नहीं देखे, सुबहानअल्लाह। तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को असातिज़ा ने बुलाया और फरमाया कि मौलाना अली मियां के भांजे हैं, इनको अपने कमरे में रखें और इन्हें पढ़ाएं। चुनाचे हज़रत तो पढ़ाने में कमाल था, तालिब इल्मी के बाद चुनाचे उनको पढ़ाना शुरू कर दिया, असर के बाद भी, मगरिब के बाद भी, फजर के बाद भी। अब ये जो भांजे साहब थे ये थोड़े दिनों के बाद, जैसे तलबा अपने गाँव अपने घर जाते हैं तो ये लखनऊ जाया करते और जाकर अपने मामू हज़रत मौलाना अली मियां को कारगुजारी सुनाते कि जी वो जो तालिब इल्म है वो तो मुझे ऐसे पढ़ाते हैं और वो उनमें ये खूबियाँ हैं, ये सिफ़ात हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि ये हज़रत वाली साहब का दौरे हदीस का साल था और आधा साल गुज़र चुका था। तो अब हज़रत का तआरुफ़, हज़रत वाली साहब का तआरुफ़ भांजे के ज़रिए मौलाना अली मियां को साल भर पहुंचता रहा। साल के आखिर में फिर दारुल उलूम देवबंद की शूरा का इजलास था और हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। तो चूँकि अब हज़रत वाली साहब का पूरा तआरुफ़ उनको हो चुका था तो उन्होंने अपने भांजे के ज़रिए हज़रत वाली साहब को पैगाम भेजा कि दारुल उलूम देवबंद के करीब ही मैं जिस मकान में ठहरा हुआ हूँ वो मुझसे आकर मुलाकात है। चुनाचे हज़रत को जब पैगाम मिला तो हज़रत
चूँकि वो तो उस्ताद के दर्जे में थे, दारुल की शूरा के रुकन थे, नदवतुल उलमा के नाज़िम थे, तो हज़रत फ़ौरन उनके बुलावे पर मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए। जब तशरीफ़ ले गए तो हज़रत मौलाना अली मियाँ ने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया कि आपने बड़ा करम फरमाया, आपने बहुत अहतमाम फरमाया, मुझे इन्होंने मुसलसल मुझसे राबता रखा और आपके बारे में बताते रहे, तो जो तारुफ़ मुझे आपका मिला है उसके नतीजे साल ख़त्म हो रहा है, तो मेरी एक राय है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा ये बात, मेरी एक राय है और वो राय ये है कि आप फरागत के बाद जामिया अजहर तशरीफ़ ले जाएं। फरागत के बाद जामिया अजहर तशरीफ़ ले, तो हज़रत वाली साहब ने, और ये मैंने वाकई हज़रत से एक दफ़ा नहीं सुना, दर्जनों मरतबा सुना है, हज़रत ने लिखा भी है इसे, तो हज़रत वाली साहब फरमाते हैं जैसे ही मौलाना अली मियाँ का जुमला मुकम्मल हुआ कि आप फरागत के बाद जामिया अजहर तशरीफ़ ले जाएं, तो मैंने एक लम्हा सोचे बग़ैर फौरन जवाब दिया कि मैं जामिया अजहर हरगिज़ नहीं जाऊँगा। तो मौलाना अली मियाँ टेक लगाए हुए बैठे थे, वो सीधे होके बैठे, तो क्या कहा आपने, तो फरमाते मैंने कहा कि मैं जामिया अजहर हरगिज़ नहीं जाऊँगा। तो मौलाना अली मियाँ ने कहा मौली साहब, लोग मेरी मिन्नतें करते हैं, लोग मुझसे सिफारिशें लिखवाते हैं, मैं लोगों की सिफारिशें बहुत मुश्किल से करता हूँ, और मैंने आपको अपने पास बुलाया और अपने पास बुला कर ये पेशकश की है, आपने क्यों मेरी बात रद्द की। तो हज़रत फरमाते हैं कि मैंने फिर एक लम्हा नहीं सोचा और मैंने कहा कि मेरे उस्ताद, मेरे शेख, शेखुल इस्लाम, शेखुल अरबी वल आजम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने सबक में हमसे कई मरतबा ये अहद लिया है कि जामिया अजहर हरगिज़ मत जाए, तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं, हम क्यों सोचें, हमारे उस्ताद ने फरमा दिया जामिया अजहर नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे। तो हज़रत मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मौली साहब आपको पता है जिस इस्तेदाद का मुझे आपके बारे में इल्म हुआ है, अगर आप जामिया अजहर चले गए तो आप सोने की चिड़िया बन जाएंगे। आप क्या बन जाएंगे? सोने की चिड़िया बन जाएंगे। तो हज़रत फरमाते हैं कि मैंने फिर बग़ैर एक लम्हा सोचे ये कहा, मैंने कहा हज़रत अगर मैं जामिया अजहर चला गया तो मैं मिट्टी की मूर्ति बन जाऊंगा, मैं क्या बन जाऊंगा? और आपको मालूम है कि ये तालिब इल्म जो हज़रत मौलाना अली मियाँ के भांजे थे कौन है? ये आज दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाज़िम मौलाना मोहम्मद राबे नदवी।